नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शय्या के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार कर कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा में स्पर्श कर दूं, मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकारा। फुंकारा सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का और वह वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे, इसीलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया कि कह ही तुम्हारे मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देख कर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हो कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे गए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।